फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक व्हाट्सएप की ट्रिक बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब भी आपको कोई ऑडियो फाइल आपके व्हाट्सएप में आती है तो आप उसको जब प्ले करते हैं तो दोस्तों स्पीकर के थ्रू उसकी आवाज़ आने लगती है। और यदि आप कहीं ऐसी जगह पे हों जहाँ पर कि आपको कहीं बैठे हों मीटिंग में, कोई और ना सुनने पाए आपके उस ऑडियो फाइल की आवाज़, तो ऐसे में दोस्तों ऑडियो फाइल की आवाज़ को प्ले करना मुश्किल हो जाता है और एम्बरेसिंग भी हो जाता है। तो ऐसे में व्हाट्सएप की एक ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक नहीं है बल्कि एक वो यूज करने का तरीका है कि आप उसको बड़ी आसानी से बिना हेडफोन लगाए उसको कान में सुन सकते हैं, जैसे कि आप मोबाइल में बात करते हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप जैसे ही आपको कोई ऑडियो फाइल सुननी हो आप उसकी प्ले बटन में, जैसे ये प्ले बटन में आपने क्लिक कर दिया और ये प्ले होने लगा, प्ले होते ही आपको जैसे आप फोन में बात करने के लिए आपको कान के पास ले जाते हैं, आपको सीधा अपने कान के पास ले जाना है और ये आपकी कान पे जो आवाज, जैसे फोन ईयरफोन से जो आवाज आती है वहाँ से आवाज आने को लेकर कुछ बोलने का। तो अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो सीधा मसला मिला करके आप अपने कान के पास ले जाइए और आपके चीज आई के पास जो स्पीकर है उसकी आवाज़ आएगी। तो मैंने सोचा कि आज फिर फ्रेंडशिप की वैल्यू को कान से थोड़ा सा कोई कॉल पे बात कर रहे हैं एम्फेसाइज करके और उसके इम्पोर्टेंस को कुछ एग्जांपल्स सॉलिड एंड ट्रू इस तरह एग्जांपल्स के हैं दोस्तों। लेकिन ये इसमें ये वीडियो फाइल के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये केवल ऑडियो फाइल के लिए अप्लीकेबल है। तो आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप खुद इसको टेस्ट करके देखें और इसको जानें कि किस प्रकार से काम करता है। बहुत इफेक्टिवली काम करता था, मुझे भी पता नहीं था, ये ट्रिक मुझे पता चली, ये बहुत इफेक्टिव और यूजफुल ट्रिक थी, इसलिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।